नंबर टू डेट इज़ काइनामेटिक्स, नाइन्थ क्लास फिजिक्स। टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर्स जो हैं उनको डिफाइन करने से पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊं कि मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 7 में अगर हम उसके यूनिट्स लगा दें, फॉर एग्जांपल 2.5 kg विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 kg, 40 सेकेंड्स मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं, 1.8 meter मतलब हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को अगर हम डिफाइन करूँ, अ स्केलर क्वांटिटीज इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। सो एग्जांपल आ जाएंगे इनकी लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वर्क एंड एनर्जी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर में अगर हमने देखा तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू थी, लेकिन वेक्टर में हम साथ साथ डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं। ओहो, यहाँ पे एग्जांपल्स जो हैं वो रॉन्ग हो गई हैं। तो बुक से अगर मैं आपको यहाँ नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल सही राइट की हैं जो कि हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एंड जो वेलोसिटी आपकी इसकी आ जाएंगी एग्जांपल्स, ठीक है, वो आपने यहाँ पे भी राइट कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है इसकी एक्सप्लेनेशन। टू फोर्सेज F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन द टेबल। यहाँ पे सामने एक टेबल दिखाया हुआ है और उस पर टू फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। अगर आप देखें कि टेबल नंबर A है, उस पर फोर्स F1 और F2 जो है वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। उसके बाद अगर आप देखें फिगर नंबर B, जिसमें दोनों फोर्सेज जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, सर्टनली द टू सिचुएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो मेंशन करना जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फोर्स अगर हम बता रहे हैं कि टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे आपके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता तो हम उसको किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, दोनों को सेम डायरेक्शन में कर सकते हैं, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन किसी भी डायरेक्शन में हम अप्लाई कर सकते हैं। द डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द टेबल। The description of the force would be incomplete if direction is not given. So similarly, when we say we are walking about the rate of 3 km/h towards north, then we are talking about a vector. Because हम यहाँ पे 3 km जो magnitude भी बता रहे हैं और हम कह रहे हैं towards north, हम यहाँ पे direction भी बता रहे हैं। It means कि ये complete vector की description है, ठीक है, ये explanation है इसकी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो आपने स्केलर और वेक्टर को एक कॉलम के फॉर्म में राइट करना है। पहले डेफिनेशन राइट करनी है दोनों की, उसके बाद आपने दोनों की वन बाय वन एग्जांपल्स राइट करनी है। तो ये 2 marks का क्वेश्चन जो है वो आपका इस पर कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ योर टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आपने इसको राइट भी करना है और लर्न भी।